Hey everyone and welcome back to my channel Shine Fez. Welcome to my channel and कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे और हमेशा रहे और कोई भी किसी भी तरीके के मसले को भर जाता है तो आई एम बैक, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपना प्यार बरसाओ भर भर के तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना प्लीज़। एंड अब बात करते हैं आगे, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में बहुत मसले होंगे, कहाँ गए, क्या था, कैसे चल रहा था, वीडियोज़ नहीं आ रही हैं एंड आई थिंक मैं आप लोगों से 3 months के बाद मिल रही होंगी। यस, इतना ही टाइम हुआ होगा और बीच में मुझे कुछ टॉपिक्स की वजह से मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था यूट्यूब को एंड मुझे भी मेडिकल इश्यूज आ गए थे एंड काफ़ी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। डिप्रेशन की भी मैं मरीज़ हो गई थी बीच में, मेरी स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करती थी एंड यू नो वेरी वेल कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ये सब चल रहा था। सो जी, मार्केट में काफ़ी टाइम से एक टॉपिक चल रहा है, फेस शेव एंड अब आप बोलोगे फेस शेव तो वो तो शायद मेल्स का होता है ना? नहीं, फेस शेव वुमेन्स भी कर सकते हैं बट ये फेस शेव जो चल रहा है तो आज हम जो है वो फेस शेव पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ मिथ्स हैं इसको लेके, उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं उन पर बात करेंगे एंड फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी एंड उसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम करें हो तो उसमें आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। ओके, सो लड़कियों अगर कंफ्यूज हो तो आ जाओ, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ तुम लोग के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, मैं अपनी जर्नी और आप लोगों के कुछ टॉपिक्स आज शेयर करूँगी नेक्स्ट वाले में, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गर्ल्स, सो सबसे पहली बात, मुझे शेव करना था, सब मेडिकल इश्यूज़ मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ही एज हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, मेरे हार्मोन इनबैलेंस रहते हैं इस वजह से। और उसके बाद मैं ये सोचती थी करूँ नहीं करूँ एंड मैंने इतनी ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देख डाली, गूगल शूगल पूछना सब कुछ किया मैंने। पार्लर वाले दीदी से पूछे, उन्होंने बोला नहीं मत करो, बेकार चीज़ है और फिर ये होता है वो होता है। यूट्यूब पे देखा, वहाँ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, एंड मुझे इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूज हो गई सीरियसली, मैं क्या करूँ। बट उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया एंड मैंने सोचा कि करके देखते हैं क्या होता है, एक बार करके देखते हैं, नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम्स होगी ओके मैन उसके बाद नहीं करेंगे, कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे बट एक बार तो करते हैं पक्का से। सो मैंने शादी थी उस टाइम पे शायद मेरी फैमिली में किसी की एंड उस टाइम पे मुझे शेव करना था तो मैं मार्केट से रेजर खरीद के लाई एंड फर्स्ट टाइम में ही रेजर गलत खरीद के लाई। मुझे किसी ने यूट्यूब की वीडियो में मेंशन ही नहीं किया कि कैसा रेजर चाहिए होता है एंड मेरी जिंदगी में बहुत से ऐप हैं, मैं खुद करती हूँ। सो फर्स्ट टाइम में मैं वो रेजर को मैंने आज भी रखा है क्योंकि मुझे अपनी पूरी जर्नी शेयर करनी थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी। तो मैं वो रेजर ले आई, उसके बाद मैंने किया, मैं इतनी पागल हूँ, मैंने ये नहीं सोचा भी सेंसिटिव स्किन है कुछ क्या करना है, उससे पहले प्री शेव का क्या स्किन केयर होता है, आफ्टर शेव का क्या स्किन केयर होता है, क्या सही टाइम होता है, किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से उन्होंने समझा दिया था, दिस एंगल पर रखना है, अपनी स्ट्रेच करना है फेस को एंड ये सब मैंने वीडियो से सीख लिया था, तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। ओके, एंड उसकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की मैंने, बहुत ज़्यादा कट्स लगाए एंड उसके बाद आगे मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, पिम्पल्स को फेस किया, काफ़ी कुछ चीज़ों को मैंने फेस किया इस उसमें एंड मुझे ये लगा कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मैंने वही बोल दिया आज के बाद से नहीं करेंगे। फिर मैंने और रिसर्च करी एंड मतलब मैं काफ़ी घुस गई थी इसमें कि मुझे ये नुकसान दिया या नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें एंड काफ़ी कुछ रिसर्च करके मुझे पता चला कि मैंने गलत तरीके से किया था। तो अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से यूज़ भी नहीं करते हो तभी भी वो निगेटिव हो जाती है, ऐसा नहीं होता, वो चीज़ गलत होती है। सो मेरा फेस शेव मैं अभी भी करती हूँ, 15 डेज में या एक मंथ में एक बार कर लेती हूँ बट मैं करती हूँ, ठीक है, एंड मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम कम्फर्टेबल, अब मैं हैप्पी हूँ अपने इस फेस शेव की जर्नी के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है तो मैंने इसी के से सारा अपना कंटेंट रेडी किया। सो आज पूरा कंटेंट इसी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फेस शेव, ठीक है, फेस शेव क्यों करना चाहिए आपकी मर्जी है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है एंड आप बोलोगे हम वैक्स करा सकते हैं, थ्रेड करा सकते हैं, हम ब्लीच करा सकते हैं,
रिच एंड वो अपने आपके बालों को सुनहरा कर देगी. ठीक है, आपके नॉर्मल हेयर हैं तो मैं भी नहीं बोलूँगी कि आप इसमें से भी कुछ करो. ठीक है, नॉर्मल हेयर्स आप ऐसे कंफर्टेबल रो सकते हो, बट कुछ लोगों कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से, कुछ लोगों को फैमिली की वजह से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं, एंड जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है. वो थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि हमारी ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे, इस चीज़ को कर सकते हैं. मेरी स्किन सेंसिटिव है वैक्स, तो मैं यहाँ से कभी सोच भी नहीं सकती. और थ्रेड, जब मैं वैक्स नहीं सोच रही थी, मैं थ्रेड तो 10 जन्मों में नहीं सोच सकती. तो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा था. आपकी लाइफ है, आप खुद डिसाइड करो ना आपको क्या करना है, आपको क्यों दुनिया का अकॉर्डिंग चलना है. वो कर रहा है तो हम करेंगे और वो नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे. आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल हो, इट्स ओके. मैं आप लोगों से बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ, तो मेरी पक 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 चलती रहेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी. तो अब आते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे, मतलब टॉपिक पे ही चल रहा है. अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें नोट डाउन की हैं जो मैंने गलतियाँ की थी और वो आप ना करें. फर्स्ट, सबसे पहला टॉपिक है मेरा, प्लीज़ करेक्ट रेजर ही चूज़ करना है. ओके, कैसे करोगे मैं बता देती हूँ. जो मेरा सबसे फर्स्ट रेजर था, मैं इसकी पिक्चर भी दे दूंगी अगर ऐसे नहीं दिखेगा, ये देखो आप लोग, बिल्कुल फ्लैट है उस तरह की तरह, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो, ये बिल्कुल फ्लैट है. और ये मेरा फर्स्ट था. अब मैं इसको रखती हूँ अपने बॉक्सेस ओपन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शार्प है, इसके निप बहुत ज़्यादा शार्प है दोनों तरफ से, एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ठीक है, ऐसे आपको लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट ये आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी इससे फेस शेव नहीं करना है. ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है ये, यू सी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. सेकंड, इस टाइप के रेजर्स यूज़ कर सकते हैं, नो, ये जो है ये आपके बॉडी शेव करने के लिए, तो ये वाले रेजर्स भी यूज़ नहीं करने हैं. उसके बाद करें कैसे, सो मैं तो काफ़ी टाइम से एक ही ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं चेंज करने की सोच रही हूँ, बट मैं आपको तरीका बता देती हूँ. अब आप इस वाले को देखिए, इस पर ना लाइन्स 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 हैं, यू सी दिस, लाइन्स लाइन्स लाइन्स. आपको इस तरीके का, तो आपको इस तरीके का फेस शेप यूज़ करना है. एंड आई थिंक ये बॉम्बे डाइंग का, मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का से लिंक दे दूँगी. ओके, एंड ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, आई थिंक 199 के 3 पीस आते हैं. सो ये परफेक्ट है, आपको इस तरीके से लेना है, ना ही ज़्यादा शार्प भी नहीं होता है, ना इसके ज़्यादा एजेस निकले हुए होते हैं, परफेक्ट. तो ये आपको, यू सी, काफ़ी पास से दिखा रही हूँ मैं, आपको इस तरीके का चाहिए जिसके ऊपर से कट्स रहे. ओके, डन. तो मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट अभी फेस शेप दिखा दिया है, रेजर दिखा दिया है, सॉरी. तो वो आपको बाय कर लेना है. ठीक है, सेकेंड, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फर्स्ट टाइम शेव कर रहे हो तो आपको उसके बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम शेव कर रहे हो तो आपको उसके बाद स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, थर्ड है हमारे पास यहाँ पे, क्या स्किन केयर का रूटीन होगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको फेशियल, सो सब डिटेल में बात होगी सेकेंड वीडियो में, मैं आपको उसमें वन बाय वन हर चीज़ समझाऊंगी. ठीक है, थर्ड है कि आपको अपना रिजल्ट, जैसे अगर आप रेजर 2 टाइप्स होते हैं, एक 1 टाइम यूज एंड एक आप 2 से 3 टाइम यूज कर सकते हो. तो अगर आपका रेजर इस तरीके से है कि आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब उस पर अवेलेबल है कि वो आप यूज कर सकते हो, तो उसको प्लीज सैनिटाइज करो, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करो या फिर उसको भी सैनिटाइज करो, क्योंकि हमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं चाहिए. हमारी स्किन जब शेव होती है उसके बाद हमारे सारे पोर्स ओपन होते हैं और हम नहीं चाहते उसके अंदर हम कोई भी बैक्टीरिया छोड़ें जिससे हमें फिर प्रॉब्लम हो. तो हर चीज़ को आप एक कॉपी ले लो और उसके बाद नोट डाउन कर लो मैं जो जो बता रही हूँ. ओके, उसके बाद आप लोगों को क्लीन टावल या हैंकी या आप कोई भी एक टावल ले लो या अपना कोई भी हैंड टावल ले लो जिसको आप रखो कि आप फेस शेव के बाद उसी को यूज़ करोगे. क्लीन होना चाहिए, कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपके जो शावर टॉवल आपने उसी से लेके हो अपना फेस क्लीन कर लिया, नॉर्मल जिससे सब कर रहे हैं उसी से कर लिया, जिससे हाथ साफ कर रहे हैं उससे कर लिया, नहीं. या फेस शेव करना है तो उसके बाद इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास क्लीन टॉवल होनी चाहिए. ओके, उसके बाद रात को अगर पॉसिबल हो तो जिस दिन आपको फेस शेव कर रहे हो उस दिन अपना पिलोकवर आप चेंज कर दो, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो क्लीन टॉवल थी उसको बिछा के आप उसको परसो जाओ, जिससे कि हमारे पिलोकवर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो फिर हमें पिंपल्स के इशू होंगे. इतना तो कर सकते हो, नॉर्मल आप चेंज कर लो, एक ही का तो करना है. ठीक है, उसके बाद
जो रेजर मेंशन करते हैं, जैसे कि मेरा ये वन टाइम यूज है, ठीक है, 3 का पैक आता है, एक रेजर को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। सो जो रेजर वन टाइम यूज होता है, जैसे कि ये वन टाइम यूज है, तो प्लीज उन रेजर्स को सिर्फ वन टाइम ही यूज करें प्लीज। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो है कि आपको रेजर करने से पहले अपना फेस वॉश करना चाहिए, जिससे कि आपके फेस पे कोई बैक्टीरिया ना रहे। ओके, और बात करते हैं उन वाहियात चीज़ों पे जो लोगों ने हमें बता रखी है, डरा रखी है, तो वो सही होती है या नहीं होती है उस पे। सबसे पहले आप शेव करोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी होने लगेगी। सब ज़्यादा कैसे हो जाएगी यार, ज़्यादा कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ जितनी होती है उतनी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि रेजर लगने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, नहीं, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब बकवास की बात होती है, बकवास बातें होती है। सेकंड, आफ्टर शेव आपकी स्किन डल हो जाती है, पागलों एक टोन हाई हो जाती है वो, क्योंकि वो सारा टैनिंग वैनिंग जो आपकी डल स्किन, आपकी जो बिल्कुल बेकार स्किन हो चुकी होती है, उसकी लेयर को भी वो रिमूव कर देती है। आफ्टर शेव पिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग सही तरीके से नहीं करते हैं उनको होती हैं। ऑयली स्किन वाले अगर बिना मुंह धोए खाली पानी से शेव करेंगे होगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ढेर सारे क्वेश्चंस, रिप्लाई करूंगी पक्का से। अब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके लिए, जैसे शेव इज गुड फॉर योर स्किन, यस शेव काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आपको ज़रूरत है। मैंने आपको ये चीज़ पहले मेंशन कर दी, अगर आपको नहीं है तो मत करो, ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं है तो शेव काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वैक्स से काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड थ्रेड से काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनलेस प्रोसेस होता है इसका, कोई पेन नहीं होता इसमें, बट वैक्स में एंड थ्रेड में जहन्नम याद आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सॉरी। एंड शेव यू करना चाहिए, योर चॉइस, अगर आपका फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ है, किसी मेडिकल इशूज़ है, किसी भी वजह से आप कम्फर्टेबल नहीं हो, आप ऐसी जगह जॉब करते हो रहते हो, तो टोटली योर विश, आप जैसे कम्फर्टेबल हो वैसे रहो, कोई टॉर्चर नहीं है। अगर आपका फेशियल ज़्यादा है तो आपको करना है, टोटली योर चॉइस, ओके गर्ल्स। उसके बाद शेव करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, आती है अगर आप फेस शेव को सही तरीके से नहीं करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना मेरी, तब आपको पता लगेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या रेजर वैक्स और थ्रेड से ज़्यादा अच्छा है? सो गर्ल्स, वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, हम ही जानते हैं बस इस बात को। मतलब मैं अगर तीनों में से चॉइस दी जाए तो आई एम गुड फॉर शेविंग, बट मैंने जो बेवकूफ़ियाँ की हैं वो आप लोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ नोट डाउन की थी ताकि आपको याद रहे, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्किन। मैं तो बॉडी पे वैक्स कराती हूँ, तो मेरे पूरा रेड हो जाता है, मेरा खून वून निकल आता है, तो सोचो मैं फेस पे तो सोच भी नहीं सकती। सेंसिटिव स्किन वालों के यही फंड होते हैं, तुम लाइक पापा क्यों चली जा रही हो, तो ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अब इसकी टिप्स दे देती हूँ मैं आपको कुछ, ठीक है, ये इसकी टिप्स नेक्स्ट वाली वीडियो में दे, चलिए बहुत बढ़िया टिप्स है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब मैं आपको दूंगी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगी, बट आप लोगों के साथ अगली वीडियो के सारे शेयर करूंगी, ओके। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी 2 पार्ट्स किए, एंड आपको फर्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा ड्राई है, बट सेकंड पार्ट में जरूर आइएगा, इतनी इजीली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी, एंड मैंने इस पर एक वीडियो दे भी रखी है, बट वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से इस टॉपिक को सोचा है। और आप लोगों की कोई डिमांड हो, ईद आने वाली है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन खुलाए, बातचीत करते हैं ना थोड़ी बहुत, और नीचे रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उस पर पक्का बात करूँगी। उसके बाद बहुत ही औसम मौसम से टिप्स है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, सारे मैं चीज़ें बता दूंगी आपको क्या क्या चाहिए होगा एंड किस तरीके से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब नोट डाउन कर रखा है, टिप्स हैं क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सब कुछ है। सो ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो देखना ना भूले, सब्सक्राइब याद से कर दिए, क्योंकि अब आपकी फायदा आ गई है वापस आपके पास। सो चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय, एंड प्लीज दुआओं में और प्रार्थनाओं में याद रखिएगा।